हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका नॉलेज 365 पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ 24th ऑफ जून की करंट अफेयर्स की क्लास लेकर। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को और देखेंगे आज के महत्वपूर्ण और अच्छे सवालों को। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइएगा, ठीक है? फिर हम लोग आज के न्यूज़ को, आज के सवालों को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है? चलिए, तो दोस्तों जब बात करते हैं हम लोग इसके आगे, ठीक है, तो याद रखिएगा ये नॉलेज 365 आपका वन स्टॉप सोर्स है। किसका? लेटेस्ट करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस का। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती है, स्टैटिक जीके की, हिस्ट्री एंड कल्चर, नाइबरिंग कंट्रीज और इंडिया, इंपॉर्टेंट स्कीम एंड डेट्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का आपको लेक्चर मिलता है। ये दोस्तों आपका एसएससी, बैंक, डिफेंस और रेलवे, जितने भी ये वन डे एग्जाम होते हैं, इसके लिए आपका बेनिफिशियल है। अगले मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सभी चैनल्स भी हैं, आप इन सभी चैनल्स को भी क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसमें कि आपको 10 मिनट के दोस्तों बेहतरीन वीडियोज़ आपको मिलते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। ये दोस्तों हमारा परिचय है, मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश झा, जनरल स्टडीज़ मेंटर हूँ, बाकी ये मेरे बारे में लिखा हुआ है, इसलिए इतना आप लोग जानते हैं। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आपका अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, इस पर मिलता क्या है आपको? डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं आपको, और इन सभी का अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है। लेकिन सवाल उठता है कैसे सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कैसे किया जाए? तो उसके लिए सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप क्या करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करेंगे तो ये आपका एक पेज खुलता है, जिसमें कि अलग अलग समयावधि का अलग अलग क्या है, चार्जेस हैं। यहाँ पर जो दोस्तों 12 मंथ और 24 मंथ वाला सबसे सही होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो 24 मंथ वाले पर जाएं, और अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आप 12 मंथ वाले पर जाएं, ठीक है? आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी एक क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके क्या करना है, कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये पेमेंट पेज खुलेगा। पेमेंट पेज खुलेगा जिसमें कि आप देख रहे हैं 24 मंथ का 7200 है और 12 मंथ का 6000 है। लेकिन आपको करना क्या, ये कोड यूज करना है ज्ञान 10। इस कोड को यूज करते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, आपकी प्राइस जो है घटकर 7200 से घटकर कितनी 6480 हो जाएगी, ठीक है? और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के जितने भी बेनिफिट्स हैं उसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा 6, 12 और 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है अगर आप लेते हैं तो इस पर आपको क्या मिलेगा, नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है? चलिए तो गुड मॉर्निंग शिवम हापुर जी, भारती वार्सनेय जी, आशीष कुमार जी, आर्यंस ग्रुप जी, आकांक्षा जैन जी, प्रियंका वर्मा जी, माही क्यूट जी, राहुल कोहली जी, स्वर्णराज सिंह जी, सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे। आशीष कुमार जी बहुत बढ़िया, नीलेश यादव जी, सभी बच्चे सेशन को एक बार शेयर कर दें और एक बार सभी बच्चे लाइक कर दें, ठीक है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या है, कुछ न्यूज़ को देखते हैं जो तरीका है हमारा, फिर उसके बाद कुछ स्टैटिक जीके के पार्ट को देखते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड कुछ सवालों को देखते हैं, ठीक है? आज का सबसे पहला न्यूज़ आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कर्नाटका बैंक लॉन्च्ड ए न्यू प्रोडक्ट केबीएल माइक्रोमित्र। याद रखिएगा, कर्नाटका बैंक लॉन्च्ड ए न्यू प्रोडक्ट केबीएल माइक्रोमित्र फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी कि कर्नाटक बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक नया उत्पाद केबीएल माइक्रोमित्र क्या किया, लॉन्च किया, याद रखिएगा। और जब बात करते हैं दोस्तों हम कर्नाटका बैंक की, इस कर्नाटका बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, मैंगलोर में। कहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका, मैंगलोर में है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, क्लियर है पॉइंट? तो इसके बाद के बात की करते हैं, इसके बाद चलते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, याद रखिएगा। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे रिसर्चर डेवलप्स चिप ध्रुव टू नेविगेट लोकेशंस। यानी कि स्मार्टफोन के अंदर, याद रखिएगा, लोकेशंस को नेविगेट करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने दोस्तों एक चिप क्या किया, डेवलप किया, जिसका नाम क्या है, ध्रुव। ये ध्रुव चिप जो लॉन्च की, ये जो किया है ये किसके लिए है, लोकेशन को नेविगेट करने के लिए, कहाँ पर, स्मार्टफोन के अंदर, ठीक है? यहाँ पर देख रहे हैं ये उसको दिखा रहे हैं, ठीक है? ये जो वहाँ के रिसर्चर्स हैं, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ध्रुव चिप को अभी अभी हाल में किसने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा ये किसने किया है, तो ये किया है किसने, आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर ने, ठीक है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। फ्यू डेज एगो पीएम ने चैंपियंस ऐप भी वो किया था हम लोगों ने, जिसके बारे में पढ़ा भी था, ठीक है? सेशन को सभी बच्चे शेयर करते हैं, रविराज जी गुड मॉर्निंग, काजू चौहान जी, ठीक है?
अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। कोच एंड फॉर्मर इंडियन शूटर, कोच एंड फॉर्मर इंडियन शूटर पूर्णिमा जनानी, ठीक है ना, पूर्णिमा जनानी पास्ड अवे एट 42। याद रखिएगा, ये जो पूर्णिमा जनानी थी ये कैंसर से पीड़ित चल रही थी, वही कैंसर जिसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है, जिसके लिए वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब को मनाया जाता है। तो इस कैंसर से ही पीड़ित थी, इनका निधन हो गया कहाँ पर, पुणे में इनका निधन हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है अभी अभी पूर्णिमा जनाने जो कि किसमें थी, न्यूज़ में रही हैं, ठीक है ना, उनका संबंध किस खेल से है, जो पूर्णिमा जनाने हैं जो अभी न्यूज़ में थी इनका संबंध किस खेल से है। तो याद रखिएगा, इनका संबंध किससे है, शूटिंग से है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, इसका संबंध किससे है, शूटिंग से है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगले न्यूज़ की तरफ, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मर एमपी एंड जर्नलिस्ट विश्वबंधु गुप्ता पासेस अवे, यानी कि फॉर्मर एमपी एंड जर्नलिस्ट विश्वबंधु गुप्ता का क्या हो गया, निधन हो गया, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ये जो व्यक्ति है इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है, इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। गुड मॉर्निंग रवीना शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, याद रखिएगा इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये 2020 ये कब मनाया गया, 23 जून को मनाया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये कब मनाया गया, 23 जून को। आप लोग जानते हैं ये जो आईओसी है, आप लोग जानते हैं ये जो आईओसी है इसका दोस्तों स्थापना कब हुआ था, 23rd of June 1894 को हुआ था। इसलिए दोस्तों इस 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। इस आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप लोग ये भी जानते हैं लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और आप लोगों को ये भी पता है कि ये जो आईओसी है, आईओसी के हेड कौन हैं, इनका नाम है थॉमस बाच, ये इसके क्या हैं, हेड है। लेकिन कई बार आपसे सवाल ये पूछा जाता है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे है ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो मतलब दोस्तों याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है ये सबसे पहले कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा ये मनाया गया था 1948 में सबसे पहली बार मनाया गया था, जब इंडियन ओलंपिक कमेटी यानी भारतीय ओलंपिक समिति की बात की जाए तो इसके जो दोस्तों हेड हैं उनका नाम है एनडी बत्रा, यानी नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ये क्या है, इंडियन ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन हैं, ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। और सबसे पहली बार जो ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था वो कब किया गया था दोस्तों, मॉडर्न ओलंपिक खेलों का आयोजन सबसे पहले कहाँ किया गया था, एथेंस में 1896 में किया गया था, इस चीज़ को भी आप याद रखिए, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ, अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन के ऊपर, इंटरनेशनल विडोज़ डे 2020 ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 23 जून को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस ये कब मनाते हैं, ये 23 जून को मनाया जाता है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो मनाता है दोस्तों ये किसकी, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये डे मनाया जाता है। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं, अगला न्यूज़, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विसेज डे 2020 यानी कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये भी कब मनाया जाता है, ये भी 23 जून को मनाया जाता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को, संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसकी स्थापना कब, तो आप लोग जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को। और दोस्तों याद रखिएगा इसका जो मतलब इसके जो हेड हैं वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं, क्लियर है पॉइंट। लेकिन साथ ही साथ हमारा प्रश्न है आपसे कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, सिविल सर्विसेज डे कब मनाते हैं, आपको ये बताना है। When we observe Civil Services Day, फटाफट जवाब दीजिएगा। गुड मॉर्निंग नरेश कुमार वर्मा जी, प्रियंका वर्मा जी बहुत अच्छे, काजू चौहान जी, राहुल कोहली जी, ठीक है। सभी बच्चे सेशन को शेयर और लाइक भी करते रहिए, ठीक है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। चुड़ैल की मौसी जी 21 मार्च बता रही हैं, अच्छा 21 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा इस 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस या वर्ल्ड फॉरेस्टी डे मनाते हैं, ठीक है ना। सिविल सर्विसेज डे माही क्यूट जी 21 अप्रैल बता रही हैं, प्रियंका वर्मा जी 21 अप्रैल बता रही है, तो याद रखिएगा सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, 21st of April को मनाया जाता है, जबकि 22nd of April को क्या मनाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, जबकि 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग, याद रखिएगा विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, क्लियर है पॉइंट। तो चलते हैं इसके बाद हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ।
बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये, इस पर मतलब ऐसे जितना भी स्टार लगा सकते हैं आप लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपके लिए। द 36th आसियान समिट बेइंग होस्टेड बाय वियतनाम, यानी कि 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन कर रहा है दोस्तों? वियतनाम के द्वारा की जा रही है, याद रखिएगा। अब ये वियतनाम है तो भाई साहब वियतनाम के बारे में याद रखिएगा, इसका कैपिटल किधर है? हनोई है, ठीक है ना। और इसकी करेंसी क्या है दोस्तों, तो ये भी आप लोग जानते हैं, डोंग। डोंग इज़ द करेंसी ऑफ वियतनाम, इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरी अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आसियान की अब चर्चा करते हैं। ये जो आसियान है इसका पूरा मतलब क्या है आप लोग तो जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका पूरा मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी जो दोस्तों स्थापना हुई थी कब? 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया जकार्ता में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो मेंबर है ना, आसियान के टोटल कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं। और काफ़ी खास बात यह है इसकी कि भारत इसका सदस्य नहीं है, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान। इसके मेंबर कौन कौन से हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, वियतनाम है, मलेशिया है, फिलीपींस है, कंबोडिया है, म्यांमार है, और ब्रुनेई, और क्या है दोस्तों, लाओस। ये सभी जो कंट्री हैं इसके क्या हैं? मेंबर्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान का कौन सा इसमें सदस्य है और कौन सा सदस्य नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखिए। इसके बाद की चर्चा करते हैं दोस्तों, चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन के ऊपर, विजय खंडूजा अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे, यानी कि विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे के लिए भारत का अगला राजदूत क्या किया गया? नियुक्त किया गया, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जिम्बाब्वे की जब बात करते हैं तो इसका करेंसी क्या है? US डॉलर। इसका कैपिटल क्या है दोस्तों? हरारे। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमोशन मनगगवा, है ना, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट से सवाल पूछा जाता है तो आपको प्रेसिडेंट आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। सेशन को आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे सेशन को शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, ठीक है। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं दोस्तों, अगले न्यूज़ की तरफ। WWE लीजेंड द अंडरटेकर अनाउंसेस रिटायरमेंट एंड हिज रियल नेम इज मार्क कैलावे, है ना। यानी कि WWE लीजेंड जो हैं द अंडरटेकर, इन्होंने दोस्तों क्या कर दी? अपने संन्यास की घोषणा कर दी। और इनका जो वास्तविक नाम है ना, ये आपको याद रखना है, मार्क कैलावे इनका वास्तविक नाम है। और ये क्या है? ये एक दोस्तों क्या है? रेसलर हैं, याद रखिएगा। क्या है? एक ये रेसलर हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, इस चीज़ को आपको याद रखिएगा, क्लियर है पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे हमारा प्रश्न है आपसे कि WWW यानी कि जो वर्ल्ड वाइल्ड वेब है, इसकी दोस्तों खोज किसने करी थी? वर्ल्ड वाइड वेब यानी जो WWW, इसके इन्वेंटर कौन हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत अच्छे, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कि WWW जो है इसके इन्वेंटर कौन है, इसका खोज किसने किया था? तो देवादिदेव सरकार जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, याद रखिएगा। इसकी खोज करने वाले कौन थे? टिम बर्नर्स ली। किसने खोजा था? टिम बर्नर्स ली ने खोजा था, याद रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं, यस बैंक पार्टनर्स विथ एफोर्ड प्लान टू लॉन्च स्वस्थ कार्ड। आपसे ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, अभी क्विज, कौन से बैंक ने हेल्थ पॉलिसी कार्ड, स्वस्थ कार्ड लॉन्च किया है या फिर किसके साथ मिलकर किया है? तो याद रखिएगा, एफोर्ड प्लान के साथ मिलकर। यानी यस बैंक ने स्वच्छ कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी करी है? एफोर्ड प्लान के साथ क्या करी है? भागीदारी करी है। और यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, क्लियर है पॉइंट। ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट टू लॉन्च इंदिरा रसोई योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी। गवर्नमेंट स्कीम्स जो होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। और अभी अभी राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करी है। ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो पीपल हैं उनको दो वक्त
दो वक्त का क्या खाना एफोर्डेबल या सस्ते दाम पर क्या किया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत। और राजस्थान की जब बात करते हैं तो यहाँ के सीएम कौन हैं, अशोक गहलोत हैं, लेकिन यहाँ के गवर्नर कौन हैं आप लोगों को कमेंट में बताना है। राजस्थान का कैपिटल है दोस्तों जयपुर, जिसे हम लोग पेरिस ऑफ इंडिया या पिंक सिटी भी इसे कहते हैं। यहीं जयपुर में अल्बर्ट म्यूजियम भी है, यहीं पर दोस्तों याद रखिएगा क्या है, यहीं पर दोस्तों हवा महल भी है, ठीक है याद रखिएगा। यहीं पर सवाई मानसिंह स्टेडियम भी है जयपुर के अंदर ही, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसी राजस्थान में याद रखिएगा कालबेलिया नृत्य भी होता है। इसी राजस्थान में दोस्तों रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, घाना पक्षी अभयारण्य, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, यहीं पर दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान में ही रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है पॉइंट, याद रखिएगा। इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है हमारे पास कलराज मिश्रा, है ना। चलिए बहुत अच्छे, अगले बिल्कुल 953 विंडोज हैं हवा महल में, बहुत बढ़िया। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों, ये हमारे आज के न्यूज़ थे, ठीक है आज के न्यूज़ हमारे पास इतने ही हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग स्टैटिक जीके में देखेंगे, अब क्या देखेंगे समझते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों को क्या करना है, शेयर सेशन को कर देना है सभी बच्चों ने, सभी बच्चों ने सेशन को शेयर कर देना है, तब हम लोग चलेंगे देखेंगे आज के स्टैटिक जीके वाले पार्ट को, ठीक है। और जैसे स्टैटिक जीके देखेंगे फिर हम लोग चलेंगे आज के सवालों के ऊपर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बताएंगे, बिल्कुल केवला देव भी यहां पर ही है, बहुत बढ़िया शिवा महापुर जी। चलिए तो आज का जो हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट है वो है क्या, इंपॉर्टेंट पासेस इन इंडिया, यानी भारत के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, दर्रों से काफ़ी सवाल बनता है दोस्तों। आज हमने इम्पॉर्टेंट पासिस लिया है, इंडिया का जो इम्पॉर्टेंट पास है उसकी हम लोगों ने मतलब चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो ये जो देखिए सबसे पहला है कौन सा, नाथुला पास, कहाँ पर है ये याद रखिएगा, ये है आपका कहाँ पर, सिक्किम के अंदर है, यानी कि इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। दिस फेमस पास इज लोकेटेड इन द इंडिया चाइना बॉर्डर, वॉज रीओपेंड इन 2006, यानी कि ये भारत और चीन के बीच में क्या करता है दोस्तों, बॉर्डर बनाता है याद रखिएगा। और इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ एन ऑफशूट ऑफ द एंशियंट सिल्क रूट, जो पहला जो प्राचीन सिल्क रूट जो हुआ करता था वो भी दोस्तों इसी से होकर गुजरता था याद रखिएगा। और ये इंडिया और चीन के बीच में जो ट्रेडिंग होता है, जो व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कौन सा, नाथुला पास, इस चीज़ को आपको याद रखना है। जब बात करते हैं दोस्तों सिपकीला पास, ये सिपकीला पास कहाँ पर है याद रखिएगा, ये जो सिपकीला पास है ये हिमाचल प्रदेश में है, और ये हिमाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करता है, तो ये हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है तिब्बत से, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो मतलब चाइना के साथ मतलब व्यापार करने के लिए ये जो सिपकीला पास, ये तीसरा सबसे बड़ा क्या है, बॉर्डर है, किसके बाद, लिपुलेख और किसके बाद, नाथुला पास के बाद। तो ये सिपकीला पास कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है याद रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करता है, तिब्बत से। आपसे ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा पास किससे किसको कनेक्ट करता है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। जब बात करते हैं दोस्तों जलैपला पास, ये जलैपला पास दोस्तों कहाँ पर है, ये है सिक्किम में, और ये करता क्या है दोस्तों, दिस पास पासेस थ्रू द चुंबी वैली, यानी ये चुंबी घाटी से ये पास जो है पास करता है, ठीक है। और ये सिक्किम को किससे कनेक्ट करता है, तो याद रखिएगा ये सिक्किम को लहासा से कनेक्ट करता है। ये लहासा दोस्तों कहाँ पर है, जो कैपिटल है किसका, तिब्बत का कैपिटल है, उस सिक्किम को लहासा से कनेक्ट करता है कौन सा, ये जलैपला पास, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर है आपको ये भी याद रखना है, कौन सा पास किसे कनेक्ट करता है आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों अगले पास की, अगला पास है खार डोंगला पास। ये जो खार डोंगला पास है दोस्तों याद रखिएगा, खार डोंगला पास ये कहां पर है, ये है आपका लेह लद्दाख में। इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री, इट कनेक्ट्स लेह एंड सियाचिन ग्लेशियर, दिस पास रिमेंस क्लोज ड्यूरिंग द विंटर, यानी कि ये जो खार डोंगला पास है ये कहाँ पर है, लेह लद्दाख में है। और दोस्तों याद रखिएगा ये किसको, लेह को किससे कनेक्ट करता है, सियाचिन ग्लेशियर से पास करता है। ये सबसे हाईएस्ट मोटरेबल यानी कि सबसे ऊंचा पास है जहाँ पर दोस्तों गाड़ी चल सकती है याद रखिएगा। और ये क्या होता है, विंटर में इसे क्लोज कर दिया जाता है। अगला है तांगला, टांगला पास, या इसे ही तांगलांगला पास भी कहते हैं।
ये दोस्तों लोकेटेड कहाँ पर है, लद्दाख में है, और ये दूसरा सबसे हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास है इंडिया का, इस चीज़ को याद रखिए। ये जो फैक्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना यहाँ पर लिखा हुआ इन सभी को आपको प्रॉपर नोट्स बना के दिमाग में फिट कर लेना है और बार बार रिवाइज करना है। इसके बाद की बात करें तो अगला है बाराला या बारा लाचला पास, ये भी दोस्तों कहाँ पर है याद रखिएगा, इट इज सिचुएटेड ऑन द नेशनल हाईवे इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। और ये किसको किससे कनेक्ट करता है दोस्तों, याद रखिएगा, अब तो जम्मू कश्मीर नहीं कह सकते, अब ये कहाँ पर, लेह में है, कहाँ पर है, लेह में है। और ये बारा लाचला पास दोस्तों किसको किससे कनेक्ट करता है, ये मनाली को किससे कनेक्ट करता है, लेह से कनेक्ट करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर लेह होगा, यानी कि ये कहाँ पर, ये भी लेह लद्दाख में ही स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये मनाली को किससे, लेह से कनेक्ट करता है। अगला जो पास है दोस्तों चांगला, ये जो चांगला पास है ये इट इज ए हाई माउंटेन पास इन द ग्रेटर हिमालय, और ये किसको, लद्दाख से, किससे, लद्दाख को किससे कनेक्ट करता है, तिब्बत से, किसको किससे कनेक्ट करता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है ना, किसको किससे कनेक्ट करता है, इस चीज को भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसी लद्दाख में याद रखिएगा चांगला से यहां पर दोस्तों एक दोस्तों ट्राइब पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चांगपा, चांगपा नामक जो ट्राइब पाई जाती है, ये भी कहां पर पाई जाती है दोस्तों, लेह लद्दाख में ही मिलती है, इस चीज को आपको याद रखना है। अगले पास की तरफ चलते हैं दोस्तों, सेशन को आप लोग शेयर करते रहेंगे, सभी बच्चे सेशन को लाइक भी करते रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं। अब हम लोग बात करते हैं ये जो पास है दोस्तों लिपू लेख, कल जो हमने मतलब आपको कुछ पासेस के बारे में, कुछ जगह के बारे में बताया था, जैसे लिपू लेख और काला पानी, ये सभी जो विवादित क्षेत्र है दोस्तों उत्तराखंड में है, याद रखिएगा, ठीक है ना, वो बाय मिस्टेक सिक्किम हो गया था, आप उसे करेक्ट कर लेंगे, वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा लिपू लेख जो है, लिपू लेख माना, लिपू लेख पास के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, ये उत्तराखंड में है, और ये किसको, उत्तराखंड को किससे, तिब्बत से कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये भारत और चीन के बीच में क्या है, ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट बॉर्डर है। और जो दोस्तों मानसरोवर के जो यात्री होते हैं, जब मानसरोवर यात्रा पर निकलते हैं तो इस पास से होकर गुजरना पड़ता है यात्रियों को। माना पास की बात करते हैं तो ये भी उत्तराखंड और किसके बीच में है, तिब्बत के बीच में, याद रखिएगा ये भी उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है। और ये हमेशा किस में रहता है, सिक्स मंथ तक ये किस में, बर्फ में ढका रहता है ये माना पास। और ये दोस्तों वहां पर माना विलेज भी है, याद रखिएगा, काफी खूबसूरत जगह है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं तो अगला है मांगसा धूरा पास। मांगशा धूरा पास जो है दोस्तों ये भी उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है, लेकिन याद रखिएगा ये जो पास है ये किसके लिए, लैंडस्लाइड्स के लिए जाना जाता है, लैंडस्लाइड्स के लिए जाना जाता है। और दोस्तों इस पास से भी होकर गुजरना पड़ता है किसको, मानसरोवर यात्रियों को, ठीक है ना। और ये कहाँ पर, कूथी वैली, कूथी घाटी में ये पास जो है आपका लोकेटेड है। अगला पास है मुलिंगला पास। मुलिंगला पास ये भी उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर है, गंगोत्री के उत्तर में है। कितनी ऊंचाई पर, 5669 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है ना। और ये भी किसको किसको कनेक्ट करता है, उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है। अगले अब इसके बाद की बात करते हैं तो दोस्तों ये है नीति पास। नीति पास की बात करें तो ये भी उत्तराखंड को किससे, तिब्बत से कनेक्ट करता है। और ये भी विंटर में दोस्तों किसके साथ, मतलब बर्फ से ढका रहता है। देखिए रवीना शर्मा जी, मैंने काफ़ी शॉर्ट ही करके, बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे पासेस हैं, लेकिन जितने आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वही यहाँ पर मैंने लाए हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं इसके आगे, अगला पास जो बॉमडीला पास। बॉमडीला पास दोस्तों याद रखिएगा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये दोस्तों याद रखिएगा ये भूटान के पूर्व में स्थित है, कौन सा, ये बॉमडीला पास, ठीक है। बॉमडीला के साथ साथ याद रखिएगा बुमला पास जो है ये भी दोस्तों कहाँ पर है, ये भी आपका इसी अरुणाचल प्रदेश में ही है। इसके बाद की बात करें तो दिहांग पास। दिहांग पास जो है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश को किससे, मंडाले, इससे कनेक्ट करता है, याद रखिएगा मंडाले जो दोस्तों कहाँ पर, म्यांमार में है, इस चीज़ को याद रखेंगे, याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता है, कौन सा, ये दिहांग पास। इसके बाद एक दोस्तों दीफू पास है। दीफू पास के बारे में याद रखिएगा ये भी अरुणाचल प्रदेश को किससे, मंडाले यानी म्यांमार से कनेक्ट करता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है,
क्लियर है पॉइंट। और ये जो आपका दीफू पास है ये कहाँ पर लाई करता है, ये मैकमोहन लाइन पर, यानी कि जो भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर ये दीफू पास जो है लाई करता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। क्लियर है पॉइंट। तो ये सारे जो पास है यहाँ पर देखिए, ये जो बोमडिला और ये दीफू, ये पास तो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। भूटान की जब बात करते हैं तो आप लोग जानते ही हैं भूटान का जो कैपिटल है थिम्पू है, करेंसी नगुलट्रुम है, जबकि म्यांमार की बात करते हैं तो कैपिटल नेपिदा और करेंसी क्या है, क्यात है, ठीक है। अगले उसकी तरफ चलते हैं दोस्तों, ये सारे जो पास है जम्मू कश्मीर में, बनिहाल पास याद रखिएगा, जवाहर टनल जो है ये इसी बनिहाल पास में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, और ये किस रेंज में स्थित है दोस्तों, ये पीर पांजल रेंज में स्थित है। ये बनिहाल को किससे, काजीगुंड से क्या करती है, कनेक्ट करती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा है जोजिला पास, ये भी जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को किससे, कारगिल और लेह से कनेक्ट करती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये किससे किसको कनेक्ट करना है आपको याद रखना है, ठीक है। और ये दोस्तों याद रखिएगा बीआरओ के अंदर आता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों वो उसके अंतर्गत ये आपका सड़क आता है, इसके मतलब मेंटेनेंस का, इसको क्लियर करने का जो मतलब अधिकार है वो किसका है, बीआरओ का है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद की अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट है बुर्जिल पास, ये श्रीनगर और किशन गंगा वैली, किशन गंगा घाटी को जोड़ता है कौन सा, बुर्जिल पास, ये दोस्तों याद रखिएगा ये कहाँ पर है, ये भी आपका बुर्जिल पास हो, ये भी आपका जम्मू कश्मीर है। पैनसीला पास दोस्तों ये कश्मीर वैली को किससे, कारगिल से कनेक्ट करता है, और ये ग्रेटर हिमालयाज में है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। और अगला याद रखिएगा दोस्तों पीरपांजल पास, ये जम्मू को कहाँ से जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है, याद रखिएगा जम्मू को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है ये पीरपांजल पास, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। हमारा प्रश्न है आपसे बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, आप लोगों को ये बताना है। बीआरओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप लोगों को ये बताना है, मैंने बताया हुआ है पहले आप लोगों को। अगले पासेस की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगला पास है भोरघाट। भोरघाट है दोस्तों कहाँ पर याद रखिएगा, यह है महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में, ये मुंबई से पुणे के बीच में क्या है स्थित है, मुंबई में एक जगह है दोस्तों, मुंबई से मतलब पुणे के बीच में खंडाला, ये खंडाला के पास दोस्तों ये भोरघाट पास स्थित है, काफ़ी ही ब्यूटीफुल, काफ़ी ही अच्छा जगह है। इसके बाद की बात करता है दोस्तों रोहतांग पास, ये दोस्तों कुल्लू को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है, ये रोहतांग पास कहाँ पर, यह है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश में, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं तो यह है पालघाट, पालघाट के बारे में याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, केरला में है, ठीक है। और ये जो है केरला के वेस्टर्न घाट के पश्चिमी घाट के कहाँ पर, पलक्कड़ गैप में स्थित है ये आपका पालघाट। और ये किसको किससे कनेक्ट करता है, ये तमिलनाडु और केरला को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, और इसी पालघाट के बीच में दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जैसा खूबसूरत जगह भी है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली में है, इस चीज़ को भी याद रखना है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये दोस्तों याद रखेंगे, ये जो थे इम्पॉर्टेंट पासेस थे। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की तरफ, अगले, अब हम लोगों का ये जो आज का स्टैटिक जीके वाला पार्ट था आज हमारा फिनिश हो गया है, अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। आप लोग दोस्तों बिल्कुल भी सेशन को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। भोरघाट मैंने भी देखा है स्वर्णराज सिंह जी, जब मैं गया था खंडाला गया हुआ था, लोनावाला और खंडाला पास ही है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा खूबसूरत प्लेस, और वहाँ का सबसे खासियत क्या, वहाँ का वेदर, वेदर वहाँ का बहुत हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। चलिए नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजिड 2020, विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय क्या है, आप लोगों को ये बताना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई है तो सभी को इसका जवाब देना है कि विश्व शरणार्थी दिवस ये दोस्तों कब मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है ये तो आपको बताना ही है। हाँ बिल्कुल स्वर्णराज सिंह जी, बहुत बढ़िया, आप चिंता नहीं करें मुगल सरकार जी, याद कराने की जिम्मेवारी मेरी है, कैसे याद कराना है हमें पता है, ठीक है, मैं आपको याद करवा दूंगा।
ठीक है, यहाँ पर जब बात करते हैं दोस्तों, जो विश्व शरणार्थी दिवस है इसका जो थीम है एवरी वोट काउंट्स, और ये विश्व शरणार्थी दिवस मनाया कब जाता है, कब ऑब्जर्व करते हैं विश्व शरणार्थी दिवस, याद रखिएगा ये मनाया जाता है 20 जून को, 20 जून को मनाया जाता है, और इसका जो इस बार थीम था एवरी एक्शन काउंट्स इज द राइट आंसर, वेरी गुड भारतीय वार्षणी जी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, विच कंट्री विल होस्ट द 36th आसियान समिट, 36th आसियान समिट की मेजबानी कौन करेगा। ऐसे ही आपके दोस्तों सवाल बनेंगे एग्जाम के अंदर, तो दूसरे सवाल का आप लोग जवाब दीजिएगा। चीन की जब बात करते हैं दोस्तों, तो चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है। चीन का कैपिटल कहां पर है दोस्तों, बीजिंग है, यहीं पर आपका AIIB का मुख्यालय है, जबकि इसके शंघाई में याद रखिएगा दोस्तों किसका मुख्यालय, NDB या ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है। चीन का दोस्तों करेंसी रेनमिनबी या युआन है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। जापान का दोस्तों कैपिटल कहाँ है, टोक्यो, करेंसी क्या है, येन, इस चीज़ को, वियतनाम का हनोई और क्या है, डोंग, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। हमारा प्रश्न है आपसे, जापान की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है, जापान की पार्लियामेंट को किस नाम से जानते हैं, यह आप लोगों को बताना है। जापान का जो पार्लियामेंट है उसे किस नाम से जाना जाता है, आप लोगों को यह बताना है, फटाफट आप कमेंट कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है हमारे पास, जापान का जो पार्लियामेंट है उसे किस नाम से जाना जाता है, डाइट के नाम से जानते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद अफोर्डेबल एफोर्ड प्लान टू लॉन्च को ब्रांडेड कैशलेस हेल्थ केयर कार्ड कॉल्ड स्वस्थ कार्ड, किस बैंक ने स्वस्थ कार्ड नामक सह ब्रांडेड कैशलेस हेल्थ केयर कार्ड लॉन्च करने के लिए एफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी करी है, HDFC बैंक, RBL बैंक, यस बैंक या ICICI बैंक। HDFC का मतलब क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, RBL का मतलब है रत्नाकर बैंक लिमिटेड, ICICI का मतलब है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन इस सवाल की जब बात करते हैं, ये जो स्वस्थ कार्ड है इसका दोस्तों याद रखिएगा, ये जो लॉन्च किया है किसने, यस बैंक ने मिलकर लॉन्च किया है। हमारा प्रश्न है आपसे, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है, आप लोग ये बता सकते हैं, हु इज फादर ऑफ मेडिसिन, यानी कि चिकित्सा जगत का, चिकित्सा का पिता या चिकित्सा पद्धति का पिता किसे कहा जाता है, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, फटाफट इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा फादर ऑफ मेडिसिन ये कहा जाता है किसे, हिपोक्रेट्स को, किसे कहते हैं, हिपोक्रेट्स को कहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल, इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष डैस को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, आप लोगों को ये बताना है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। हम लोगों ने दोस्तों, हम लोगों को पता है 20 जून को क्या मनाते हैं, रिफ्यूजी डे मनाते हैं, 21 जून को क्या मनाते हैं, योगा डे, इसी दिन क्या मनाते हैं, याद रखिएगा म्यूजिक डे, है ना, और 21 जून को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, म्यूजिक डे, योगा डे तो मनाते ही हैं, 21 जून को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोगों को ये बताना है। यहाँ पर दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं इस सवाल की, ये दोस्तों कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे ये मनाया जाता है 23, इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये 23 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा, और इसी 23 जून को 1757 में एक बहुत ही मतलब दोस्तों प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ प्लासी, है ना, बैटल ऑफ प्लासी, जिसके बाद हमारे देश के अंदर किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की या ब्रिटिश शासन की नींव रखी जाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी दिन दोस्तों याद रखिएगा क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, 21 जून को ही क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ये भी कब मनाया जाता है दोस्तों, इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 21st of June, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्लियर है पॉइंट, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है डी, ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल, इंटरनेशनल विडोज डे इज ऑब्जर्व ऑन, अंतर्राष्ट्रीय विडोज डे ये कब मनाया जाता है, आप लोगों को ये बताना है, 23rd जून, 13 जून, 21st जून या 19 जून, इसका आप लोग जवाब दें। ठीक है, और सेशन को साथ साथ लाइक और शेयर भी करते रहें सभी बच्चे। ठीक है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, बहुत अच्छे, माही क्यूट जी, राहुल कोहली जी, मुकुल सरकार जी, ठीक है, प्रियंका वर्मा जी। यहाँ पर जब बात करते हैं इस सवाल का सही उत्तर क्या है, 23rd of June
इज द राइट आंसर। 23rd ऑफ जून जो है ये इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा दोस्तों 14 जून को क्या मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी मनाते हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, क्लियर है। अब बात करेंगे इसके अगले सवाल की, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मार्क विलियम कैलावे हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट विथ विच स्पोर्ट इज ही एसोसिएटेड, यानी कि मार्क विलियम कैलावे ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस खेल से जुड़े हैं, रेसलिंग से, शॉर्ट पुट से, वेट लिफ्टिंग से या डिस्कस थ्रो से। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस तथ्य को भी आपको याद रखना है, इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है दोस्तों, रेसलिंग, और इन्हीं को जाना किसके नाम से जाना जाता है, मार्क विलियम कैलावे को ही अंडरटेकर के नाम से जानते हैं या द अंडरटेकर के नाम से जाना जाता है, इनको इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द करेंसी ऑफ वियतनाम, वियतनाम की करेंसी क्या है आप लोगों को ये बताना है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ वियतनाम, रुपया, डोंग, बहत या पेसो। बहुत अच्छे प्रियंका जी, बहुत अच्छे मुकुल सरकार जी, है ना, वेरी गुड। माही क्यूट जी, वेरी गुड। शिव महापुर जी, बहुत बढ़िया। राधे मोहन जी, यहाँ पर सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। याद रखिएगा वियतनाम की करेंसी क्या है, डोंग है। बहत कहाँ की करेंसी है दोस्तों, थाईलैंड की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश, क्या कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश। अच्छा, इंडिया और थाईलैंड के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है आपको ये भी बताना है। पेसो कहाँ की करेंसी है दोस्तों, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो है दोस्तों यहाँ की करेंसी है पेसो। और यहाँ पर दोस्तों एक प्रसिद्ध ग्रासलैंड भी होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पंपास, पंपास नामक जो ग्रासलैंड है दोस्तों ये कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका ये अर्जेंटीना में ही पाया जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना। हमारा प्रश्न है भारत और थाईलैंड इसके बीच में दोस्तों कौन सा, याद रखिएगा, एक्सरसाइज होता है। इसके बाद याद रखेंगे दोस्तों फिनलैंड नामक एक जगह है जिसे हम लोग कहते हैं लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहते हैं इसे, ठीक है, यानी हजारों झीलों की भूमि कहते हैं, ठीक है। और इसका जो कैपिटल है आप लोग जानते हैं किधर है, हेलसिंकी, ठीक है, हेलसिंकी, ठीक है। भारत और थाईलैंड के बीच में कौन सा होता है, याद रखिएगा भारत और थाईलैंड के बीच में जो एक्सरसाइज होता है वो होता है मैत्री, लेकिन मित्र शक्ति जो होता है दोस्तों वो किसके बीच में, भारत और किसके बीच में, श्रीलंका के बीच में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है आप लोगों को ये बताना है, इसका आप लोग जवाब, और साथ ही साथ सेशन को शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया, जेनेवा स्विट्जरलैंड, मलेशिया क्वालालंपुर या फिर मंडुलियोंग फिलीपींस। फिलीपींस की जब बात करते हैं दोस्तों, इस फिलीपींस के मनीला में ही याद रखिएगा क्या है, यहीं पर दोस्तों याद रखिएगा किसका मुख्यालय है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और यहीं पर दोस्तों किसका मुख्यालय है, याद रखिएगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, याद रखिएगा मनीला फिलीपींस में, ठीक है। जब बात करते हैं आसियान का हेडक्वार्टर ये कहां पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। जेनेवा में दोस्तों किसका, WTO का मुख्यालय, WHO का, WMO का, और भी कई सारे संगठन है जिसका मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा में है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा प्रश्न है आपसे कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है आपको ये बताना है, बिल्कुल नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में है बिल्कुल, और कटक में ही बाराबाटी स्टेडियम भी कहाँ पर है, वो भी कटक में है, ठीक है। फटाफट इसका आप लोग जवाब देंगे कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है, ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है आप लोगों को बताना है। देखते हैं कौन कौन, अभी तक प्रियंका वर्मा जी का एकमात्र जवाब आया है भाई, बाकी बच्चे भी जवाब दीजिए,
बहुत अच्छे प्रियंका वर्मा जी, बहुत अच्छे मुकुल सरकार जी, बहुत अच्छे काजू चौहान जी। याद रखिएगा, समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति नामक जो एक्सरसाइज हुआ होता है दोस्तों, ये किसके किसके बीच में होता है याद रखिएगा, ये इंडिया और किसके बीच में होता है, इंडोनेशिया के बीच में होता है, याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, टी टाबी शंकर, टी टाबी शंकर वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज इफ्टास विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 मई 2020। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्टास। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि टी टबी शंकर को किसका बनाया गया, चेयरमैन इफ्टास का चेयरमैन बनाया गया। इस इफ्टास का मुख्यालय कहाँ पर है आप लोगों को ये बताना है। जब नागपुर की बात करते हैं दोस्तों, इसे सिटी ऑफ ऑरेंज कहते हैं। यहीं पर दोस्तों हेडक्वार्टर है किसका, नीरी, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का। पुणे की जब बात करते हैं दोस्तों, तो पुणे का याद रखिएगा, पुणे में FTII का मुख्यालय है, फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का मुख्यालय है, और दोस्तों याद रखिएगा यहीं पर इसी पुणे में नेशनल सेलुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका भी मुख्यालय है। न्यू दिल्ली में आप लोग जानते हैं NGT का मुख्यालय है, DRDO का मुख्यालय है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है, ये भी याद रखेंगे। जबकि मुंबई में दोस्तों क्या, बार्क, बार्क जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हमारा प्रश्न है बिल्कुल, गरुड़ शक्ति भी होता है उसके बीच में। इफ्टास का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये कहाँ पर है, कल की क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ्टास जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है मुंबई में। ठीक है, वेरी गुड प्रियंका जी, देवादिदेव सरकार जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया राधे मोहन जी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन 4 इज द मुंबई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, हु हैज वॉन 2020 पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड, यानी कि जर्मन बुक ट्रेड का 2020 का शांति पुरस्कार किसने जीता, अमर्त्य सेन, शोभना नरसिम्हा, संगीता एन भाटिया या जगदीश भगवती। अगला सवाल आपके स्क्रिप्ट के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, और सेशन को सभी छात्र शेयर और लाइक भी करते रहेंगे, है ना, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। सभी बच्चे सेशन को शेयर और लाइक भी करते रहिए। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, याद रखिएगा अमर्त्य सेन इसका सही उत्तर है, और जर्मन की, जर्मन से याद रखिएगा, जर्मनी, जर्मनी का जो कैपिटल है ये किधर है दोस्तों, यह है बर्लिन, और इस बर्लिन में दोस्तों किसका मुख्यालय, याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, इसी बर्लिन में है। और हमारा प्रश्न है दोस्तों आपसे कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार, ये पहले भारतीय हैं जिनको इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है, आपको ये बताना है कि ये जो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को, वो कब मिला था, आपको ये बताना है। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे। और दूसरा प्रश्न हमारा है आपसे कि डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, आपको ये भी बताना है। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जमशेदपुर को कहते हैं, उसी प्रकार डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। अमर्त्य सेन को नोबेल कब मिला था दोस्तों, 1998 में मिला था, याद रखिएगा, लेकिन डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, अच्छा बैंगलोर को कहते हैं, क्या बात है, हाँ बैंगलोर को तो गार्डन सिटी, सिलिकॉन वैली कहते हैं इंडिया का, गार्डन सिटी कहते हैं, स्पेस सिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं, ठीक है। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, अभी तक हमारे पास जवाब नहीं आया है, तो भाई साहब जवाब दीजिए इसका, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। काजू चौहान जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, याद रखिएगा चेन्नई को कहा जाता है, जहां पर दोस्तों भारत का सबसे लंबा बीच है मैरीना बीच, और इसी चेन्नई में कौन सा स्टेडियम है दोस्तों, याद रखिएगा एस ए चिदम्बरम स्टेडियम भी कहां पर है दोस्तों, इसी चेन्नई में है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। बहुत अच्छे, अगले इसकी बात करते हैं दोस्तों, अगले सवाल की, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड लेजेंड ऑफ सहुलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। कल का न्यूज़ याद कीजिए, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो आप लोग इसका गलत जवाब तो दे ही नहीं सकते, है ना, सभी को इसका क्या करना है, सही जवाब देना। और चेन्नई, चेन्नई के पास ही दोस्तों याद रखिएगा, चेन्नई में ही है, और सबसे पहला जो दोस्तों हमारा उर्वरक कारखाना, सबसे पहला जो हमारा मतलब फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो खुला था, वो कहाँ पर दोस्तों, वो चेन्नई के पास ही खुला था, किसमें, रानीपेट नामक जगह पर, ठीक है।
यहाँ पर इस सवाल की जब बात करते हैं तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा, अमिश त्रिपाठी। और अमिश त्रिपाठी का ही दोस्तों एक अब और महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है इमॉर्टल्स। इमॉर्टल्स नामक किताब भी किसने लिखी है दोस्तों? इसी अमिश त्रिपाठी ने लिखी है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? तो चलते हैं इसके बाद हम लोग अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लक्ष्मण सिंह लहल हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज अ रेनॉन्ड, यानी लक्ष्मण सिंह लहल जो हाल ही में खबरों में हैं वो एक प्रसिद्ध डैश है, एक्टर है, हमारी पर्सनल हैं, पेंटर हैं या आर्किटेक्ट हैं? जल्दी से इसका जवाब भी बताइएगा। लक्ष्मण सिंह लहल, इनका जो दोस्तों अभी जो चर्चा में रहे हैं, इनका संबंध किससे है? याद रखिएगा, ये दोस्तों क्या हैं? ये एक आर्मी पर्सनल हैं, ठीक है ना, यानी कि ये आर्मी से रिटायर है। आर्किटेक्ट से हमको आपको ये बताना है, फादर ऑफ या ऐसे आप इसे आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट का नाम क्या है आपको ये बताना है। जैसे दिल्ली का आप लोग जानते हैं ना, दिल्ली का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? एडविन लुटियंस को कहते हैं, है ना, किसे कहते हैं? एडविन लुटियंस को। उसी तरह चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है आपको ये बताना है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, सभी बच्चे फटाफट जवाब दें, हमारे पास जवाब भी आना शुरू हो चुका है। और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, चंडीगढ़ के जो दोस्तों वो हैं उनका नाम है ली कार्बूसियर। और चंडीगढ़ में ही दोस्तों याद रखिएगा सुखना लेक है, रॉक गार्डन भी है यहाँ पर, कहाँ पर? इसी चंडीगढ़ में रॉक गार्डन, जिसके दोस्तों निर्माता कौन थे? नेकचंद थे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है? आप पेंटर से आप लोगों को दोस्तों ये बताना है, राजा रवि वर्मा की एक प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम बताइए। राजा रवि वर्मा, इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम बताएं जो कि इनकी फेमस पेंटिंग हो, राजा रवि वर्मा, ठीक है? बिल्कुल काजू चौहान जी, है ना, बहुत अच्छे। प्रियंका वर्मा जी, आदित्य कुमार जी, स्वर्णराज सिंह जी, बिल्कुल, जो रॉक गार्डन है उसके निर्माता नेकचंद थे, याद रखिएगा। राजा रवि वर्मा की फेमस पेंटिंग का नाम बताना है आप लोगों को। स्वर्णराज सिंह जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, याद रखिएगा, हमशा दमयंती। हमशा दमयंती नामक जो पेंटिंग है दोस्तों ये किसकी है? राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है, बिल्कुल। शकुंतला भी पेंटिंग जो है दोस्तों ये किसकी है? राजा रवि वर्मा की। ये दो फेमस पेंटिंग है, शकुंतला और हमशा दमयंती। ये दोनों ही दोस्तों अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को आपके दिमाग में फिट रखना है, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? तो चलिए आज चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। यह है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, ठुमरी सिंगर गिरजा देवी बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग घराना, यानी कि ठुमरी सिंगर जो गिरजा देवी हैं वो किस घराने से संबंधित हैं? बनारस से, आगरा से, किराना घराना से या फिर लखनऊ घराना से? यह आर्ट एंड कल्चर का सवाल है, जनरली आपके एसएससी या कोई भी वन डे एग्जाम है वहाँ पर एक से दो प्रश्न आर्ट एंड कल्चर से पूछा जाता है, ठीक है? तो दोस्तों आपको इसका जवाब देना है, ठुमरी सिंगर गिरजा देवी ये किस घराने से संबंधित हैं? साथ ही साथ सेशन को सभी लोग शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें। कई बच्चे यहाँ पर लखनऊ घराना बता रहे हैं, तो भाई साहब जब मैं लखनऊ घराने की बात करूं, ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसकी, और लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जनेश्वर मिश्रा पार्क, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम, इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अटल स्टेडियम, है ना, और इसके बाद यहीं पर दोस्तों कौन सा, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, ये सभी दोस्तों किससे संबंधित है? इसी लखनऊ से संबंधित है। बनारस की जब बात करता है दोस्तों तो याद रखिएगा इसी बनारस में राष्ट्रीय साग भाजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी नेशनल जो मतलब हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों ये इसी बनारस में है, और इसी बनारस के मंडुवाडीह में, दोस्तों क्या है याद रखिएगा, डीजल लोकोमोटिव वर्क, ये भी आपको याद रखना है। जब बात करते हैं दोस्तों इस ठुमरी गाय का जो गिरजा देवी हैं इनका संबंध किससे, इनका संबंध है बनारस घराने से संबंधित है ये, ठीक है? किससे संबंधित है? बनारस घराने से संबंधित हैं। और दोस्त हमारा प्रश्न है आपसे, ये जो आगरा है,
आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी आपको ये बताना है। आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी आपको ये बताना है। याद रखिएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इस ये दोस्तों कहाँ पर है, यह है आपका चेन्नई के पेराम्बूर, पेराम्बूर नामक जगह पर है चेन्नई में, ICF का जो हेडक्वार्टर है। हमारा प्रश्न है आपसे रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री जो है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है। दो सवाल आपके पास है, एक तो आपका है कौन सा आगरा, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी, आगरा शहर की स्थापना शेर शाह सूरी ने कहाँ करी थी राहुल कोहली जी, इसकी दोस्तों किसने करी थी सिकंदर लोदी ने, किसने करी थी सिकंदर लोदी ने। अब शेर शाह सूरी का नाम आ ही गया है, याद रखिएगा शेर शाह सूरी इसका दोस्तों टॉम्ब कहाँ पर है आपको ये बताना है, शेर शाह सूरी का टॉम्ब कहाँ पर है। और तीसरा प्रश्न है आपका लोदी वंश के फाउंडर कौन है, लोदी वंश के फाउंडर कौन है लोदी डायनास्टी के, ये भी आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, याद रखेंगे शेर शाह सूरी का जो दोस्तों टॉम्ब है वो कहाँ पर है, सहसराम या जिसे हम लोग सासाराम भी कहते हैं, ये बिहार में है, याद रखिएगा। जो लोदी वंश के फाउंडर हैं ये राहुल कोहली जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है बहलोल लोदी, है ना। और रेलवे कोच फैक्ट्री जो है दोस्तों इसका भी हमारे पास सही जवाब आ रहा है, रेलवे कोच फैक्ट्री का कई बच्चे चेन्नई बता रहे हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि रेलवे कोच फैक्ट्री जो है इसका चेन्नई नहीं बल्कि कहां पर है कपूरथला, कपूरथला पंजाब में है दोस्तों रेलवे कोच फैक्ट्री, याद रखिएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर है चेन्नई में है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ तक आप लोगों को अब कोई डाउट है कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे शाम में 8 बजे, 8 बजे आज हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और दोस्तों उससे के जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा कंप्लीट होगा फिर हम लोग मूव करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर आज के हिस्ट्री के टॉपिक में। ठीक है, तो सभी यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है आप लोगों को दोस्तों इसके PDF के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं GS by ज्ञान प्रकाश झा, ये टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं GS by ज्ञान प्रकाश झा, और PDF के लिए जो और दोस्तों डिस्कशन के लिए GS by ज्ञान सर, ये दो दोस्तों आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जैसे आप ज्ञान सर सर्च करेंगे, ज्ञान सर आपको सर्च करना है तो आपको टेलीग्राम पे ये ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, धर्मेंद्र बंसल जी बिल्कुल मैं अभी डाल देता हूँ, ठीक है आप चिंता ना करें, यहाँ तक किसी को भी कोई दुविधा कोई समस्या कोई परेशानी है तो बताइएगा। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र बंसल जी अभी डाल देंगे कुछ देर में, और किसी का कोई समस्या परेशानी है तो बताइए, और सेशन को सभी बच्चे लाइक करते हुए जाएंगे शेयर करते हुए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल छुट्टी हो गई राहुल कोहली जी, ठीक है चलिए। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को भी क्या कर लेंगे, ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और नॉलेज 365 इसे तो आपने सब्सक्राइब करना ही करना है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी वो तुरंत क्या करेंगे सब्सक्राइब वाला बटन दबा लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, इसी तरह आप लोग हंसते रहें पढ़ते रहें स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें, एंड सभी को हैव अ गुड डे।